हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए एक बहुत ही शानदार लोकेशन के अंदर। ये है हाईलैंड पार्क। आपने देख लिया कितना शानदार लोकेशन है। हम एक पार्क के अंदर खड़े हैं और एक ये 65 लाख का घर है, बहुत ही शानदार, 1700 स्क्वायर फीट में बहुत ही शानदार व्यूज़ के साथ। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा मिस नहीं कर सकते। अगर जो आपने फ्रेंड्स मेरा दावा है, आपने ये वीडियो देख लिया तो आप इसको खरीदने के लिए और विजिट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम इस घर के अंदर। पहले ही बताया, आज हम आए हैं एक हाईलैंड पार्क का बहुत ही शानदार लोकेशन में फ्लैट देखने। 3 BHK का फ्लैट है, 1700 स्क्वायर फीट और 65 लाख की कॉस्ट में। फ्रेंड्स, मेरा ये दावा है, आपको इसी बेस्ट लोकेशन पे इतना खुला डीला फ्लैट नहीं मिल सकता। अब ये जो यहाँ पे दो लिफ्ट दे रखी हैं, यहाँ पे दो लिफ्ट्स हैं, हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं, बहुत ही शानदार लुक्स हैं। और ये जो देखिए डोर है, हमारे घर के बारे में बहुत कुछ बता देता है। करीबन 3.5 फुट का और 8 फुट लंबा टीक वुड का डोर है, बहुत ही शानदार लोकेशन। फ्रेंड्स, मैं हूँ अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नोकोड अंशुल। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज़ टू डिलीवर। जैसे हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं, हमें मिलता है एक वाव फैक्टर। यार हम कहाँ पर आ गए, बहुत ही शानदार एरियाज हैं, मतलब बहुत ही शानदार एरिया लग रहा है मुझे यहाँ पे। लिविंग और डाइनिंग एरिया, जैसे ही हम घर के अंदर करते हैं हमें लिविंग एरिया मिल रहा है, बहुत ही शानदार, और साथ में ही हमारा आ जाता है डाइनिंग एरिया। और यहाँ पे प्रॉपर हमारा LED पैनल दिया गया है, बहुत ही खुला डिला लग रहा है। एक 6 सीटर सोफा रखने के बावजूद भी काफ़ी स्पेस बच रही है। 1700 स्क्वायर फुट, 65 लाख, ऐसा नहीं मिल सकता। देखिए आप इसके व्यूज़ को। फ्रेंड्स, आपने देख लिया कितना शानदार लिविंग रूम है। साथ में ही आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारा पेंट्री के लिए प्रॉपर स्पेसेस है। इसी तरीके से आप अपने फ्लैट जो यहाँ पे लिया जाएगा इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत ही शानदार लुक। और जो कंपनी प्रोवाइड करेगी यहाँ पे, जो टाइलिंग है इसी तरीके से प्रोवाइड की जाएगी, बहुत ही शानदार व्यूज़ के साथ। आप देखिए इसके डाइनिंग एरिया को। फ्रेंड्स, डाइनिंग के साथ ही आ जाती है हमारी किचन, जो कि एक मॉड्यूलर किचन है। कंपनी इसी तरीके से विद ऑल एमेनिटीज़, ये ब्रांडेड किचन है, इसी तरीके से दी जाएगी। यहाँ पे प्रॉपर एरियाज़ हैं, यहाँ पे जो गैस पाइपलाइन पहले से ही फिटेड है, पेंट्री दी गई है ओपन टॉप तक, और यहाँ पे ड्राई और वेट का अलग अलग स्पेसेस दिए गए हैं। साथ में ही आ जाती है हमारी एक बालकनी जो कि इसके साथ अटैच रहेगी। पहले देखिए आप किचन के व्यूज़ को, फिर हम चलेंगे बालकनी के साथ। किचन के साथ ये अटैच बालकनी है, हमेशा ज़रूरत रहती है ओपन स्पेस की किचन के साथ, वो इसमें दी गई है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, प्राइवेसी का अच्छा ख्याल रखा गया है। पहले आप देखिए इसके व्यूज़ को। के पीछे ही आ जाता है हमारा पूजा रूम। मैंने बहुत सारे फ्लैट्स देख लिए, हमारे पूजा रूम की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट रहती है इंडियन घरों में, और इसमें पूजा रूम दिया गया है, बहुत ही शानदार लोकेशन। और ये किचन के साथ मिल रहा है तो वास्तु फ्रेंडली भी है कि किचन के साथ होने के कारण हमारा टॉयलेट के साथ किसी के साथ अटैच नहीं है। तो देखिए आप इस पूजा रूम को।
फ्रेंड्स अभी तक हमने इस जगह देख लिया डाइनिंग एरिया, ड्राइंग रूम एरिया, साथ में हमारी किचन, बालकनी। अब चलेंगे हम थ्री बेडरूम्स के अंदर। बेडरूम्स ये हमारे पूरे पूरे प्राइवेसी के साथ है। जैसे मान लो हमारे घर में गेस्ट आए हैं तो हमारे बेडरूम्स में क्या चल रहा है आपको पता नहीं लगेगा। अब चलेंगे हम बेडरूम के साथ में। अब ये जो हमारा दिया गया है अटैच्ड कॉमन वॉशरूम है। जब भी कोई गेस्ट आए तो हम अपने बेडरूम में नहीं डालना चाहते तो ये कॉमन वॉशरूम है। पहले आप वॉशरूम देखिए, साथ में ही हम चलेंगे फर्स्ट बेडरूम के साथ उसके घुमा। फ्रेंड्स अब आ गए हैं फर्स्ट बेडरूम के अंदर। देखिए कितना शानदार बेडरूम है। यहाँ पे किंग साइज बेड लगा हुआ है, फिर भी बहुत ही खुली डिली जगह है। यहाँ पे एलईडी पैनल का डिजाइन बहुत ही शानदार है और यहाँ पे एसी की फिटिंग्स हर एक रूम में पहले से ही दी गई हैं और डाउन सीलिंग भी बहुत ही शानदार लुक में है। आप देखिए पहले इसके फर्स्ट बेडरूम को। मुझे इस घर की ये लगी कि हर एक रूम के साथ एक प्राइवेट बालकनी दे रखी है। तो फर्स्ट रूम के साथ भी प्राइवेट बालकनी है, यूपीवीसी विंडोज इसी तरीके से दी जाएंगी विद टफ एंड ग्लास। आप देखिए पहले इसके व्यूज को बाहर के। इसका फर्स्ट बेडरूम, हम चलते हैं हम सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम यहां पे है, थर्ड बेडरूम वहां पे है और ये सेम कॉमन बालकनी शेयर कर रहे हैं। हम सेकंड बेडरूम में चलते हैं। अब देखिए हम फ्रेंड्स आ गए हैं सेकंड बेडरूम के अंदर के। वो यहां पे भी किंग साइज बेड लगने के बावजूद भी बहुत ओपन स्पेस खाली है। मतलब यहां पे आराम से बंदा एक गेम खेल सकता है, यहाँ पे हमारी सिटिंग भी हो सकती है और साथ में एलईडी पैनल का डिजाइन्स भी बना रखे हैं पहले से ही। अच्छे वार्डरोब्स हैं, कंपनी इसी तरीके से देगी विद एमडीवीएफ, अंदर भी बाहर भी मेंटेनेंस फ्री रहते हैं, फ्यूचर में आपको खराब नहीं लगेगा। आप देखिए पहले इसके सेकंड बेडरूम को। सेकेंड बेडरूम के साथ भी आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम। यहाँ पे जो भी टाइलिंग और एमेनिटीज़ आपको दिख रही हैं कंपनी इसी तरीके से प्रोवाइड कीगी और ये ओवरहेड तक टाइल्स हैं। तो ओवरहेड का फ़ायदा रहता है कि फ्यूचर में आपको कोई लीकेज वगैरह रहती है तो उसमें दिखती नहीं है। तो मतलब वॉशिंग एरिया में हमेशा तक ओवरहेड टाइलिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए आप इसके एमेनिटीज़ को। फ्रेंड्स आपने देख लिया अभी तक सेकंड बेडरूम को, अब चलते हैं हम थर्ड बेडरूम। वो भी उतना ही शानदार जैसा थर्ड सेकंड था। अब ये यहाँ पे किड्स बेडरूम का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है प्रॉपर। यहाँ देखिए पूरा शेल्फ रखा हुआ है, उसमें किड्स की चीज़ें रखी हुई हैं, सामने हमारा टीवी भी लगा हुआ है, प्रॉपर सिटिंग एरिया भी है, बहुत ही खुला डिला और साथ में हमारी अटैच्ड बालकनी दी गई है। बहुत ही ओपन स्पेस है वहाँ पर, हर एक रूम्स के साथ अटैच्ड बालकनी, बहुत ही शानदार। और किचन के साथ भी बालकनी है, आप देखिए। आ जाता है हमारे वार्डरोब्स भी दिए गए हैं, एक ड्रेसिंग रूम और साथ में हमारी अटैच वॉशरूम है। यहाँ पे ब्लैक टाइलिंग का अच्छा सुंदर वर्क है, आप देखिए। थर्ड बेडरूम के साथ अटैच्ड बालकनी है, ये भी बहुत ही खुली डिली बालकनी है, आप देखिए।
मुझे तो ये 1700 स्क्वेयर फुट का घर और 65 लाख की कॉस्ट में बहुत ही शानदार लगा। अगर जो अपने फ्रेंड इसको फिजिकली विजिट करना है तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको उसको फिजिकली विजिट और खरीदने की हेल्प कर सकता हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।